हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कोर्ट मैरिज कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह का 9 बज गया और अभी हम लोग खाना पीना खा लिया सभी कोई और अभी काम में लग गए। देखिए, यहाँ पे पूरा बालू था तो अभी उधर साइड में नाप करके अभी यहाँ पे प्लास्टर चालू कर दिए हैं गली में। बेबी आने से पहले पूरा हम लोग का गली पूरा कम्प्लीट कर देंगे आज का, इसीलिए हम लोग पूरा ज़ोर से आज काम स्टार्ट कर दिए। इधर देखिए, अभी दो ठो आदमी आए हुए हैं और मिस्त्री साहब और एक ठो आए और हम रहेंगे पूरा जल्दी में आज काम करेंगे। तो चलिए, अभी यहाँ पर देखिए मसाला मिक्स हो रहा है। देखिए भाई लगता है हम लोग का, और शंकर भाई इधर साइड में अभी बतवन कर रहे हैं, खाना खाते हैं जल्द में खाना। हाँ, और इधर झोला बन रहा है, चाची जी अभी झोला बना रहे हैं। तो चलिए, अभी पैंट को पहनते हैं और भाड़ा के ऊपर में चल जाते हैं जल्दी से। वाला रूम पूरा कंप्लीट हो गया है हम लोग का। देखिए, पूरा ज़मीन भी पूरा अच्छा तरीक़े से सूख गया है, तो जितना लेदरा पटिया है ना सब यहीं पे रख दिए। यहाँ पे देखिए, हम लोग अभी पाँच जोड़ करके पूरा अभी दीवार को तराई कर रहे हैं और अभी मिस्त्री साहब उधर से पानी मार रहे हैं और इधर पूरा अभी रमन भाई मसाला मिक्स करने में लग गए हैं। तो चलिए, अभी हम भी हेल्प करते हैं जल्दी से और मसाला को मिक्स करते हैं। इधर साइड में हम लोग का पूरा मसाला रेडी हो गया है और इधर साइड में अभी मसाला रेडी कर रहे हैं। तो भोला तो हम लोग का रेडी हो गया, अब मसाला रेडी करना है और शक्ति अभी उधर साइड से अभी देख रहे हैं। तो चलिए, अभी हम भी मिक्स करते हैं जल्दी से मसाला। तो अभी यहाँ पर मसाला को पूरा मिक्स कर रहे हैं और अभी थोड़ा रमन भाई इधर रेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए, अभी जल्दी से मिक्स करते हैं। हम लोग अभी मसाला को पूरा मिक्स कर दिए हैं और अभी यहाँ पे पानी डाल रहे हैं और ऊपर से अभी पानी आ रहा है। चलिए, अभी इन लोग ऊपर में चढ़ गए हैं मसाला सब देने के लिए। तो चलिए, अभी इन लोग को देने के लिए छोड़ देते हैं और अभी हम मिट्टी खिलाने के लिए जा रहे हैं। जो वाट वाला मिट्टी रहता है वही को खिलाना है। देख सकते हैं इधर रखे हुए हैं, यही वाला खिलाएंगे और बिना इन लोग निपाई करेंगे। तो अभी हम खिला देते हैं और पानी से फुलाना होता है तो पानी में डाल देंगे कुछ देर, आधा घंटा जैसे, और फिर बाद में निपाई करेंगे। तो चलिए, अभी फुला देते हैं। डाल दिए हैं डेक्ची में, यही पानी में दिए हुए हैं फूलने के लिए। तो चलिए, अभी फूलेगा उसके बाद में निपाई करेंगे। तो अभी पूरा सीलिंग में मार दिए हैं और अभी दीवार बचा हुआ है। तो अभी नीचे उतरे हुए थे पानी पीने के लिए, तो अभी हम पानी पी लिए और फिर से जा रहे हैं भाड़ा का ऊपर में। और देखिए, पूरा एकदम सीलिंग मस्त हो गया हुआ है और दीवार बचा हुआ है, तो इसको अभी जल्दी से मार करके नीचे उतार देते हैं। मसाला भी एकदम काफ़ी ज़्यादा बन गया। चलिए, अभी जल्दी से करते हैं। और इधर देखिए, शक्ति अभी देख रही है और इधर शंकर भाई अभी बालू चालने में लग गए, बालू चालने में लगे हुए हैं और इधर माँ एकदम खाने में लग गए हैं। देखिए क्या क्या सब्जी है माँ। चलिए खाइए। हाँ ठीक है, तो हम आते हैं ऊपर में। अभी उस साइड में पूरा हो गया है कंप्लीट, नीचे नीचे ना भा दिए हैं और थोड़ा सा मतलब नीचे बचा हुआ, जितना तक लपकने सकते हैं उतना तक कर लिए हैं और इधर नीचे बचा हुआ है। तो अभी इधर बाकी है तो इधर कर लेंगे, उसके बाद में नीचे नीचे करेंगे का। भाड़ा सबको खोल के नहीं उधर में, और हाँ मिस्त्री लेबर सब सब गए हैं खाने के लिए। चलिए, अभी भाड़ा बांधते हैं हम लोग। भाड़ा बांध रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था तो राहर खोलने के लिए दिए हुए थे, तो वही राहर को अभी देख सकते हैं यहाँ खांची में उठा के रख दिए हैं। धूप नहीं उगा हुआ है इसीलिए नए सूखने के लिए दिए हैं, नहीं तो अभी सूखने के लिए दे देते। दिए हुए थे पर थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा था उस टाइम दिए थे, धूप नहीं उगा था फिर भी दिए थे, लेकिन सोच रहे थे कि हवा लगेगा इसीलिए, तो फिर बारिश होने लगा इसीलिए उतार के रख दिए यहीं पर नया रूम में, देख सकते हैं। तो चलिए, अभी खाना खाने का टाइम भी हो गया, तो अभी खाना हम खाना खाएंगे और फिर काम पे फिर लग जाएंगे। वो ना दाल बनाएंगे इसीलिए फूलने के लिए दिए हुए थे, ये सूखेगा उसके बाद में दाल बनाएंगे। अगर नहीं फुलाते तो पूरा चूर हो जाता है दाल सब, दाल एक भी नहीं बन। फुला के सुखाएंगे। तो अभी फूलने के लिए दे दिए थे और अभी छाँक के रखे हुए दे दिए थे छत में, लेकिन धूप पे नहीं उगा था और पानी आ रहा था इसीलिए उतार के रख दिए। और अभी उधर साइड में झाड़ू करके पंखा लगा देंगे, सूखेगा नहीं तो इसी में इसका बीजा उगने लगेगा। तो चलिए, इसको अभी ढाँक के छोड़ देंगे, हवा लगेगा
थोड़ा थोड़ा सूखेगा और अच्छा से सूखेगा तो दाल भी अच्छा बनेगा, दो दो टुकड़ा हो जाएगा, नहीं तो पूरा टुकड़ा हो जाएगा। दोस्तों अभी हम भाड़ा ऊपर से नीचे उतर गए हैं और अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। देखिए साग और दाल है और चटनी, तो चलिए अभी जल्दी से खा करके फिर से अभी लग जाते हैं। भाड़ा तो इधर साइड में लगा दिए और बत्तख को खाना भी दे दिए, अब खाना खाएंगे और जल्दी से फिर लगेंगे। हम लोग खाना पीना खा लिए हैं और इधर साइड में भी लग गए हैं और अभी देखिए पूरा मसाला इधर साइड में बिखरा हुआ है। हाँ और लेबर उबर सब लगे हुए हैं मिस्त्री का काम में, बाकी चालने के लिए चाची के साथ चालने हम लोग खाना वाना बर्तन वर्तन हुई अभी हम लोग काम सभी को संभाल लेंगे। तो चलिए इन लोग अभी काम कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए। और इधर शंकर बालू चालने के लिए आ गया है। तब चलिएगा हम लोग बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं। हाँ और मम्मी उधर छगरी फूटने के लिए जा रहे हैं। राहड़ फुला के रखे हुए हैं, आधा सूखने के लिए दिए हुए थे, आधा ये लोग भूनना है तो इसको अभी शाम में भूनेंगे। बर्तन वर्तन धो के इसको ढक देते हैं, गंदा नहीं पड़ेगा इसीलिए। और अभी देखिए सब में खाना थोड़ा सा बचा हुआ है, देख सकते हैं इतना हिस्सा बचा हुआ है, तो ये सब पूरा खा लेते और धोने के लिए जाएंगे। तो ये कटोरी में अभी निकाल देंगे खाना सब को, ज़्यादा नहीं होगा और उसके बाद धोएंगे। चलिए अभी निकालते हैं और दाल और साग भी थोड़ा सा बचा हुआ है, चलिए ये सब को निकाल देते हैं। पानी ला लिए हैं, अब चलिए डेगची सब में डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अभी पानी सबको डाल दिए हैं, अब चलिए धोते हैं सबको। अभी ये राख है उसी में रगड़ रगड़ के, वो लाए थे सरफ वो वाला ख़त्म हो गया, इसीलिए राख से ही मांजेंगे, धो के फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो अभी बर्तन सब पूरा धो लिए हैं और अभी राहर भूनने हैं, तो चलिए अभी आग जला के फिर राहर भूनते हैं। पहले प्याज व्याज काट लेंगे, उसके बाद में फिर आग जलाएंगे। देख सकते हैं आग जला लिए हैं और अभी कढ़ाई बिठाने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए बिठा देते हैं। उसके बाद में कढ़ाई गर्म हो जाएगा, उसके बाद में तेल और प्याज दे के भूनेंगे और उसके बाद में मसाला देंगे। तो चलिए अभी कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। हम प्याज को डालते हैं और इधर पानी रखे हुए हैं, राहर को धोएंगे इसीलिए। चलिए अभी राहर को डाल देते हैं, राहर को अच्छे से भून के ढक लिए हैं और अभी जा रहे हैं मसाला पीसने के लिए। तो चलिए अभी मसाला पीसते हैं, मसाला को अच्छे से पीस लिए हैं, चलिए डालते हैं। नमक पहले ही डाल दिए थे और अभी हल्दी डालेंगे और थोड़ा देर सीझने के लिए छोड़ देंगे, कहा कि फूला हुआ है ना तो सीझेगा तो अच्छा होगा। तो चलिए अभी हल्दी डाल देते हैं, हल्दी भी डाल दी है और मिलाते हैं अभी सबको और अच्छे से भूनते हैं। राहर को अच्छे से भून लिए और अदहन दे दिए हुए हैं और इधर चावल धोने के लिए छत के ऊपर चढ़े हुए हैं, काहे कि उस साइड में जाने के लिए रास्ता नहीं था इसीलिए हम छत के ऊपर चढ़े हुए और छत के ऊपर में पानी आता है इसीलिए छत के ऊपर में ही धोएंगे। तो चलिए अभी धोते हैं अच्छे से चावल को और फिर जाके डाल देंगे। हम चावल को अच्छे से धो लिए हैं, चलिए अभी जाके डाल देते हैं और फिर बनाते हैं खाना। हो जाएगा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा भैया स्पीड में कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। हाँ अंधेरा भी हो गया, देखिए अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, तो उधर एक भैया गए हुए हैं, चलिए जल्दी जल्दी दीजिए। और मसाला भी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, देखिए ये सब पूरा मसाला ही मसाला है, थोड़ा सूख जा रहा है इसीलिए तो पानी डाल करके और पूरा अच्छा से कर रहे हैं साफ, बोला मस्त हो गया है। देखिए